हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइस 200 में, जहां पे आप सीख रहे हो अकाउंटेंसी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है 12th क्लास का, उस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। बेटा ये सेकंड बुक है आपकी, जो वॉल्यूम सेकंड है उसका ये सेकंड चैप्टर है, और बुक के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर नंबर 9th, इशू ऑफ डिबेंचर। अब बात आ जाती है बेटा कि जैसे शेयर्स, अभी आपने हाल ही में शेयर्स चैप्टर के बारे में पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारी पुरानी वीडियोस हैं जो कि प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास चैनल में अपलोड की गई है, आप वहां पे जाके चेक करना। तो बेटा जैसे शेयर्स के बारे में सीख रहे थे, अब डिबेंचर के बारे में पढ़ना है। क्या होता है डिबेंचर? तो होता यह है बेटा कि जब कंपनी शेयर इशू करती है, तो शेयर इशू करने से जो भी लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं, और ओनर बन जाते हैं तो उनको शेयर होल्डर बोला जाता है, और उनके पैसे को कैपिटल मान के ट्रीट किया जाता है। तो आगे कभी भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में शेयर होल्डर्स का भी हिस्सा हो जाता है। अब प्रॉफिट ज्यादा होता है तो ज्यादा डिविडेंड पे करना पड़ता है, प्रॉफिट कम होता है तो डिविडेंड कम पे करना पड़ता है। लेकिन बेटा ऐसे थोड़ी कि कंपनी को जब भी जरूरत होगी कंपनी मालिक बनाती चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। कंपनी को और भी बाहर से पैसा उधार, मतलब कंपनी को अमाउंट की जरूरत पड़ती रहती है। और जब कंपनी को फंड अरेंजमेंट करना होता है तो कंपनी के पास फंड अरेंज करने का सिर्फ शेयर ही जरिया नहीं होता, कंपनी के पास और भी जरिए होते हैं, जैसे बैंक से लोन ले लेना, क्या कहते हैं, अपने बॉन्ड इशू कर देना, या फिर डिबेंचर्स इशू कर देना। तो डिबेंचर भी एक सिक्योरिटी होती है जो कंपनी की हेल्प करती है फंड अरेंजमेंट में। जब भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी डिबेंचर नाम की चीज को भी इशू करती है, और वो भी बिल्कुल सेम सिक्योरिटी ही है। बस अंतर इतना है कि जो शेयर होल्डर्स जो शेयर्स परचेज करते हैं उनको जो राइट मिलते हैं शेयर खरीदने के बाद, उतने राइट डिबेंचर होल्डर को नहीं मिलते जो डिबेंचर्स में निवेश करते हैं। कहने का मतलब यह है बेटा कि जो लोग डिबेंचर खरीदा करेंगे वो कंपनी के क्या बन जाया करेंगे, उधार देने वाले। और उधार जो देता है कंपनी को उसको क्रेडिटर बोल दिया जाता है। तो यहां पे आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जो कंपनी को उधार पैसे देंगे, जैसे बैंक देता है तो बैंक लोन, शेयर्स शेयर होल्डर पैसा देते हैं तो वो शेयर बन जाता है और वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं। उसी तरीके से अगर कंपनी को डिबेंचर इशू करने होते हैं, जो लोग डिबेंचर के नाम पे पैसा देते हैं वो कंपनी के डिबेंचर होल्डर बनते हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो उनको कंपनी अपने क्रेडिटर भी बोल सकती है। अब जो कंपनी के बेटा यहां पे क्रेडिटर क्रिएट हो गए, तो इनके द्वारा दिया गया जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट पे इनको मिला करेगा इंटरेस्ट। क्या मिला करेगा बेटा? इंटरेस्ट। अब ध्यान रखने वाली बात यहीं पे है, यही है कि जो शेयर्स खरीदा करेंगे उनको मिला करेगा डिविडेंड, और जो डिबेंचर्स खरीदा करेंगे उनको मिला करेगा इंटरेस्ट। अब फिर बात आती है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेटा ये कंपनी की और शेयर होल्डर, ये कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में तय हुआ होता है कि किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है वो उन डिबेंचर के आगे परसेंटेज के नाम से फिक्स्ड कर दिया जाता है। कि किसी को 8% मिलेगा तो वो 8% डिबेंचर बोले जाएंगे, किसी को 15% मिलेगा तो उन्हें 15% डिबेंचर बोल देंगे। तो आपने जो डिबेंचर के आगे परसेंटेज लिखी देखी होगी वो हमेशा उस अमाउंट को इंडिकेट करती है जो अमाउंट एज अ इंटरेस्ट इशू किया जाएगा। तो वो परसेंटेज की फॉर्म में जो होगा वो 8%, 10%, 12% वो कंपनी लिख देती है। अब बात आती है बेटा कि डिबेंचर्स के टाइप्स होते हैं। तो हाँ बेटा, आप अपनी बुक में अगर चेक करोगे तो डिबेंचर के टाइप्स आपको बुक में मिल जाएंगे कि कितने तरीके के डिबेंचर होते हैं, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, इस तरीके से इरिडीमेबल, और क्या कहते हैं, जीरो कूपन, और फिक्स्ड परसेंट, डिविडेंड, रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, इस तरीके से काफ़ी और क्या कहते हैं डिबेंचर मिल जाएंगे आपको, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। अब बात आ जाती है कि डिबेंचर को इशू कैसे किया जाता है। तो जैसे शेयर्स को इशू किया जाता है वैसे ही डिबेंचर्स भी इशू किए जाते हैं। कंपनी डिबेंचर को कैश में भी इशू कर सकती है, अदर देन कैश भी इशू कर सकती है, और डिबेंचर को इशू किया जा सकता है एज कलेक्ट्रल सिक्योरिटी। बेटा कलेक्ट्रल सिक्योरिटी भी कंपनी एज अ डिबेंचर इशू कर देती है। देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स में आ जाता है इस वाले चैप्टर में से। तो इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर 100 में से 100 मार्क्स लेकर आने हैं तो बेटा हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उसी के तहत बेटा कि हमें हर टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना होगा। कैसे? कि बेटा अगर कंपनी ने डिबेंचर कैश पे इशू किए तो बेटा कैश पे वही फिर से बात आ जाती है। अब आप इतने समझदार हो बेटा, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप इतने समझदार हो चुके हो कि लमसम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है, ये आपने शेयर्स वाले चैप्टर में सीख लिया है। अगर नहीं सीखा है तो बेटा हम बार बार कह रहे हैं, हमारे चैनल पे शेयर से रिलेटेड सारी वीडियोज पड़ी हुई है, हर टॉपिक से रिलेटेड। आप उन टॉपिक को पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद डिबेंचर को पढ़िए, तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ज्यादा आपको समझने में आसानी होगी। तो अगर कंपनी ने शेयर को कैश में इशू किया तो चाहे वो लमसम हो या बेटा इंस्टॉलमेंट हो, अभी मैं लमसम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो बेटा बस क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट की नंबर ऑफ एंट्रीज बढ़ जाती है, चेंजेस कुछ नहीं आते। तो होगा क्या, कंपनी जब कैश में इशू करती है तो बेटा पार प्रीमियम डिस्काउंट का ऑप्शन आता है खुल के।
आपने शेयर्स में सिर्फ पार और प्रीमियम सीखा था, अब डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हुआ करेंगे। डिस्काउंट का मतलब होता है बेटा 100 रुपए का अगर डिबेंचर है तो उसको 95-90 पे भी इशू कर सकती है कंपनी। ये कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि कंपनी अपने डिबेंचर को डिस्काउंट पे भी इशू कर दे और कंपनी से राइट का बेनिफिट भी उठाती है। तो कंपनी बेटा 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए पे भी बेच देती है, कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर 100 से ज्यादा पर भी बेच देती है, और कंपनी कभी कभी 100 रुपीज का डिबेंचर 100 से कम पे भी बेच देती है। बेटा डिबेंचर की वैल्यू 10 रुपए हो सकती है, 50 रुपए हो सकती है, 500 रुपए हो सकती है, वो कंपनी के ऊपर है कि कंपनी अपने डिबेंचर को कितने रुपए का डिसाइड कर रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको नंबर ऑफ डिबेंचर एक कितने रुपए का है, मतलब एट द रेट 10 ईच, 15 ईच, 100 ईच नहीं लिखा है, तो आप खुद से एज्यूम कर लेना कि एक डिबेंचर कितने रुपए का रहा होगा, 100 रुपीज का रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा अगर डिबेंचर को पार पे इशू किया गया, तो पार पे इशू किया गया तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो कंपनी को पैसा मिला, क्योंकि जैसे शेयर इशू करती है लोग बाग पैसा देना स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर में भी लोग बाग पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा जब कंपनी में डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट हुआ तो कंपनी के पास पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा कहां से आया, तो लोग बाग फिर से एप्लीकेंट के रूप में आए, और एप्लीकेशन किस चीज के लिए कराए, वो डिबेंचर खरीदने के लिए। तो कंपनी ने कहा पैसा आया है डिबेंचर एप्लीकेशन का, मतलब लोग बाग एप्लीकेशन, मतलब कंपनियों के पास अर्जियां लग रही हैं कि हमको डिबेंचर दे दो, हमको डिबेंचर दे दो, हमको डिबेंचर दे दो। तो लोग बाग कंपनी को क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो कंपनी ने बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंट्री बना दी। नरेशन बैंक अकाउंट बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये नरेशन बेटा आपको खुद लिखनी है, आप चैंपियन हो, 11th क्लास से नरेशन लिखते आ रहे हो। अब कितने रुपए का डिबेंचर था, मान लेते हैं एक डिबेंचर इशू किया कंपनी ने 100 रुपए का, तो कंपनी को 100 रुपीज मिल गए होंगे। अगर एक की जगह कंपनी ने 1000 शेयर इशू किया, डिबेंचर इशू होते, तो 1000 की 100 में मल्टीप्लाई कर देते तो 1 लाख रुपीज आ जाता। तो वैसे मल्टीप्लाई होती चली जाती है। फिर कंपनी क्या करती है, इन डिबेंचर होल्डर्स को, मतलब इनको डिबेंचर देके डिबेंचर होल्डर बना देती है। और जैसे ये डिबेंचर होल्डर बनते हैं तो कंपनी के ऊपर अब एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, किस नाम की, परसेंटेज डिबेंचर। अब बेटा ये परसेंटेज का मतलब क्या है कि अगर कंपनी ने 8% डिबेंचर इशू किए तो 2.8% डिबेंचर, 10% डिबेंचर इशू किए तो 2.10% डिबेंचर, इस नाम की नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और एंट्री क्या बन गई बेटा, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करके एक लाइबिलिटी क्रिएट की गई जिसको बोला गया परसेंटेज डिबेंचर। अब बेटा ये परसेंटेज डिबेंचर कहां शो किए जाते हैं, तो आपने बैलेंस शीट बनानी सीखी होगी शेड्यूल 3rd पार्ट 1st के अकॉर्डिंग, उसमें एक नॉन करंट लाइबिलिटी की हेडिंग होती है, शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, और जो 3rd हेडिंग होती है जिसमें आप नॉन करंट लाइबिलिटी लिखते हो उसकी लॉन्ग टर्म बोरिंग की हेडिंग में डिबेंचर को शो किया जाता है। और बेटा यहाँ पे भी कितने रुपए लिख दिए जाएंगे, 100 अगर एक डिबेंचर इशू किया है, 1000 किए तो 1 लाख, 10,000 किए तो डबल मल्टी, फिर 100 की मल्टीप्लाई करके 10 लाख, इस तरीके से आप अमाउंट रिकॉर्ड कर देते हो। बात आ जाती है कि भैया अगर कंपनी ने डिबेंचर 100 रुपए का 110 में इशू किया होता, तो बेटा डिबेंचर इशूड अगर प्रीमियम पे हुआ होता फिर कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को फिर पैसा मिलता, पैसा मिलता तो कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। लेकिन अब की बार बेटा 100 की जगह कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे एक डिबेंचर पे, 110 रुपए मिलेंगे, क्योंकि कंपनी यहां पे 10 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देगी। और कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो जो एक्स्ट्रा पैसा कमाती है कंपनी इशू करते वक्त डिबेंचर को, तो जैसे शेयर्स में एक्स्ट्रा पैसा आता था तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पार्ट होता था, उसी तरीके से बेटा अगर डिबेंचर अगर प्रीमियम पे इशू किए जाएंगे तो वहां पे मिलने वाला एक्स्ट्रा पैसा भी कंपनी का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और उस प्रॉफिट को भी कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और बेटा ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का वही सेम यूज होगा जैसा शेयर चैप्टर में सीखा था सेक्शन 52 में, कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कहां का इस्तेमाल होता है, तो बेटा जहां वहां होता था वही सेम अमाउंट यहां पे रिकॉर्ड होगा। क्यों, क्योंकि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां भी बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है जैसा आप शेयर वाले चैप्टर में करते आए थे। तो आप कहोगे कि जो हमें 110 रुपए मिले एक डिबेंचर इशू करने पे, उसमें से 100 रुपीज तो कंपनी डिबेंचर होल्डर के नाम कर देती है कि ये हमारी लायबिलिटी है। अब जब फ्यूचर में आएंगे तो ये 100 रुपए के यहां पे डिबेंचर होल्डर हैं, इनको अगर रिडीम करना पड़ा, इनका पैसा इनको लौटाना पड़ा, तो हमें 100 लौटाने पड़ेंगे। लेकिन 10 रुपए जो कंपनी को एक्स्ट्रा मिले वो कंपनी कहां ट्रांसफर कर देती है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एंट्री के नीचे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। नरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे शेयर पार पे इशू करो, प्रीमियम पे करो, या फिर डिस्काउंट पे करो, तो ये हो गया बेटा हमारा सेकंड केस। तो पार करे प्रीमियम करे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चैंपियन बनना है। 3rd पॉइंट पे आते हैं बेटा, अगर डिबेंचर को इशू किया गया डिस्काउंट पे, अब डिस्काउंट भी तो कर सकते हो, मैंने अभी 2 मिनट पहले तो बोला कि कंपनी डिबेंचर प्रीमियम के साथ साथ डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है, ये भी कंपनी के पास खुला ऑप्शन है कि 100 रुपए का डिबेंचर कंपनी 95 पे बेच दे।
अब कंपनी अपनी 100 रुपए की चीज अगर किसी को 95 पे बेच देगी तो बेटा क्या उसको फायदा होगा या नुकसान? मैं आपसे पूछता हूं, आपकी कोई 100 रुपए की चीज है जो आपने खरीदी तो 100 रुपए की पड़ी थी आपको, अब आपने वो मुझे बेच दी 95 में, आप कहोगे हम क्यों बेचने लगे तुम्हें? मैंने कहा बेटा एग्जांपल है, 95 रुपए में बेच दी, आप मुझे बताओगे आपका फायदा है नुकसान? आप कहोगे भैया सीधा सीधा 5 रुपए का लॉस हो गया हमारा तो। मैंने कहा बेटा कंपनी का भी लॉस हो गया, कंपनी ने 100 रुपए की चीज 95 पे बेच दी तो कंपनी को कितने रुपए मिले? सिर्फ 95 ही तो मिले। कंपनी की जेब से 95 की, मतलब कंपनी एक जेब से अगर डिबेंचर दे रही है, सर्टिफिकेट दे रही है, तो वो कितने रुपए का दे रही है? 100 रुपए का। लेकिन कंपनी को उसी 100 रुपए की चीज देने पर पैसे कितने मिल रहे हैं? आप कहोगे 95, तो बैंक में तो 95 रुपए आए। तो कंपनी के पास कितने रुपए आए? 95। लेकिन कंपनी ने 95 रुपए लेके सामने वाले को मालिकाना हक कितने रुपए का दिया बेटा? 100 रुपीज का। आप खुद चेक करके बताओ, अगर आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद लो 95 में, तो आपके पास सामान तो पूरे 100 रुपीज का आया ना। तो कंपनी कहती है डिबेंचर तो पूरे 100 रुपए के क्रिएट हुए, लेकिन मुझे एप्लीकेशन पे मिले कितने रुपए थे? 95। तो हमने कहा कंपनी है तो तुम्हारा 5 रुपए का लॉस पिट गया तुम्हें। कंपनी कहती है लॉस को पिटने पे कहां लिखा जाएगा? मैंने कहा जब भी किसी कंपनी को बिजनेस को लॉस पिटता है तो उसे डेबिट में भी कॉलम या एक स्थान नजर आता है, तो हमने कहा आप इस 5 रुपए को कहां पे लिख दीजिए? डेबिट साइड लिख दीजिए। तो बेटा जब भी कंपनी को डिबेंचर इशू करते वक्त लॉस पिटा करेगा तो उसको कंपनी कहां लिखा करेगी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट में, कि ये लॉस किस चीज का था? तो डिबेंचर को जब इशू कर रहे थे उस टाइम पे कंपनी ने डिस्काउंट इशू कर दिया था। नरेशन में कोई चेंज नहीं, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमने डिबेंचर को इशू किया कैश पे, तो अगला हो सकता है हमारा अदर देन कैश, मतलब डिबेंचर की जगह, मतलब कंपनी ने डिबेंचर तो इशू किए लेकिन कैश की जगह क्या आ रहा है कंपनी के पास? कैश के जितना ही कोई सामान आ रहा है, मतलब सिमिलर कोई एसेट आ रही है, लाइक फर्नीचर, इतने रुपए की कोई मशीन जितने रुपए की कंपनी ने डिबेंचर इशू किए होंगे, या फिर उतने ही रुपए का कोई स्टॉक, डेटर्स वगैरह कुछ भी कंपनी ले सकती है। तो कंपनी ने कहा जब भी कंपनी कोई पहले एसेट खरीदती है तो सन्ड्री एसेट्स को डेबिट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब एक हाइपोथेटिकल फिगर लेते हैं कि कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए लेकिन बदले में पैसा नहीं दिया। कंपनी ने क्या कर दिया? कुछ एसेट खरीदने के बदले में अपने डिबेंचर जारी कर दिए। हमारे डिबेंचर खरीद लो ना यार, क्या करोगे तुम पैसा लेके? क्या फायदा तुम्हारा पैसा लेके? तुम क्या कर लोगे? डिबेंचर खरीदोगे तो पैसा फ्यूचर में बढ़ने की भी उम्मीद है, हर साल तुम्हें ब्याज मिलता रहेगा, यार मजा ही मजा है डिबेंचर खरीदने में। तो इन लोगों को बात समझ में आ जाती है। तो बेटा जिन लोगों को ये बात समझ में आती है वो वेंडर होते हैं। जैसे वेंडर है, आप मान के चलो आपने किसी कंपनी को कोई अपनी एसेट बेची है, तो कंपनी जब आपसे एसेट खरीदती है तो आपको वेंडर बोल देती है। अब आपका जो नाम है वो तो नाम लिख देगी, और अगर आपको नाम नहीं पता चल रहा है कि किससे खरीदा है तो वेंडर लिख दिया जाता है। तो कंपनी ने कोई एसेट खरीदी, फॉर एग्जाम्पल बेटा 1 लाख रुपए की कोई एसेट खरीद ली। अब मैं 1 लाख की जगह यहाँ पे कोई ऐसा अमाउंट लिखता हूँ जिसको लिखने से थोड़ा सा सरल रहे, चलो 1 लाख ही मान लेते हैं। मान के चलते बेटा 1 लाख रुपए की कंपनी ने कोई एसेट परचेज की, तो कंपनी ने कहा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और अमाउंट लिख दिया 1 लाख 1 लाख। 1 लाख रुपए की एसेट खरीद ली वेंडर से। अब कंपनी क्या कर रही है? इस वेंडर को पेमेंट करने वाली है, क्योंकि बेटा एसेट खरीद ली, ऐसे नहीं है कि एसेट खरीदी तुरंत की तुरंत परसेंटेज डिबेंचर ना, पहले एसेट खरीदी जाएगी फिर वेंडर को पेमेंट की जाएगी। जो वेंडर को पेमेंट की जाती है उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो बेटा सबसे पहले एसेट खरीदी, और एसेट खरीदने के बाद जब मैं डिबेंचर की वेंडर को पेमेंट करने गया तो मैंने कहा लो जी वेंडर 1 लाख रुपए की तुमसे एसेट खरीदी थी तो तुम 1 लाख रुपए के डिबेंचर ले लो। तो हमने बेटा डिबेंचर को पेमेंट कर दी, और वेंडर को पेमेंट कर दी डिबेंचर्स में, और डिबेंचर्स में पेमेंट करके हमने फिर से एक डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी बना ली। हमने पैसा नहीं दिया, हमने डिबेंचर नाम की लाइबिलिटी क्रिएट की, और नरेशन लिख दिया गया बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड, बीइंग सन्ड्री एसेट परचेज, बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड, ये हमने यहां पे नरेशन लिख दी। आगे बढ़ते हैं। अब आप कह सकते हो कि भैया ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पे पार प्रीमियम डिस्काउंट का केस नहीं आता? मैंने कहा बेटा बिल्कुल आ सकता है पार प्रीमियम डिस्काउंट। आप बोलोगे कैसे मतलब? मैंने कहा बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, किसको? वेंडर को, लेकिन कंपनी कह रही है कि जो हम डिबेंचर इशू करेंगे वो 100 रुपए का एक डिबेंचर है। कितने रुपए का एक डिबेंचर है बेटा? 100 रुपए का। लेकिन भाई लोग अगर आपको हमारा डिबेंचर खरीदना है तो 200 रुपए में मिलेगा। मना है बेटा, कंपनी कह रही है, मैं क्या करूं बताओ? कंपनी कहती है, कंपनी के इतने हाई फाई रेट चल रहे हैं, कंपनी की रेपुटेशन इतनी तगड़ी चल रही है, कंपनी कहती है 100 रुपए का डिबेंचर 200 में। और ये जो अब ये कुछ ना वेंडर जो है ना वो कर दे दो, 200 रुपए का ही दे दो, कोई बात नहीं यार, आप इतनी तगड़ी कंपनी हो, 200 रुपए का आज खरीदूंगा कल को 250 का हो जाएगा, ये तो मेरा तो फायदा ही फायदा। मैंने कहा हाँ बेटा ये हो सकता है,
तो बताओ कंपनी डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिख दिया जाएगा क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू किया। लेकिन अब बात आती है कि कितने डिबेंचर इशू किए होंगे। आप मुझे बताओ वेंडर को कितने रुपए की पेमेंट की जाएगी? 1 लाख। 1 लाख से ज्यादा कभी पे नहीं किए जाएंगे। अगर यहां 1 लाख लिखा है तो 1 लाख ही पेमेंट होगी। लेकिन 1 लाख के लिए कंपनी कितने रुपए की लाइबिलिटी क्रिएट करेगी, ये चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा जब 1 लाख रुपए के लिए 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए थे पार पे, तो पूरी लाइबिलिटी उतने रुपए की क्रिएट हुई थी, चेक कर लो। लेकिन अगर अब डिबेंचर कंपनी इशू कर रही है और अब कंपनी 100 रुपए का डिबेंचर 200 रुपए इशू कर रही है, तो बेटा देखो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। परचेज कंसिडरेशन 1 लाख डिवाइड बाई इशू प्राइस। अब आपका डिबेंचर कितने रुपए पे बिकेगा? उन 200 रुपए पर। तो अगर मैं ये चेक करके बताऊं आपको कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए होंगे, तो कंपनी ने मात्र 500 डिबेंचर्स को इशू किया होगा। मतलब जिस सामने वाले ने, जिसने मुझे एसेट दिया, वो बदले में मुझसे क्या ले रहा है? डिबेंचर। और डिबेंचर भी कितने ले रहा है? सिर्फ 500। अब आप मुझे बताओ बेटा अगर वो 500 डिबेंचर लेगा, और डिबेंचर तो 100 रुपए का है, 200 में वो खरीद ही तो रहा है, लिखा तो उसमें 100 ही रुपए है, तो एक्चुअल में तो वो 50,000 रुपए का सामान हमसे खरीदा उसने। हमने उससे 1 लाख की एसेट ली, बदले में उसने जो हमारी चीज ली खरीदी वो क्या थी? डिबेंचर नाम की चीज थी। और वो डिबेंचर कितने रुपए के थे? 50,000 के। लेकिन कंपनी ने क्या करा है, उस पर 100 रुपए का प्रीमियम लगा रखा है। कंपनी कहती है कंपनी की रेपुटेशन इतनी है, कंपनी इसी चीज का तो फायदा उठाती है, तो कंपनी कहती है जो बाकी के 50,000 रुपए थे वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कंपनी कहती है 1 लाख रुपए की चीज ले ली हमने, तो अपने बदले में 50,000 की चीज दी है, जो 50,000 है वो फायदा हो गया, और वो कहां लिख दिया कंपनी ने? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो बेटा कभी कभी कंपनी क्या कर देती है, डिस्काउंट पे भी डिबेंचर इशू कर देती है। तो डिबेंचर अगर डिस्काउंट पे इशू होगा तो बेटा फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखा जाएगा, उसकी जगह क्या लिखा जाएगा अब की बार डेबिट में? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो आपने यहां लिखा था डिस्काउंट। कैसे? कि कंपनी कहती है कि 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। अब कंपनी की थोड़ी मार्केट में रेपुटेशन डाउन है, मतलब कंपनी का व्यापार थोड़ा बढ़िया नहीं चल रहा, तो कंपनी कहती है यार 100 रुपए के डिबेंचर एक काम करते हैं 95 में बेच देते हैं, 90 में निकाल देते हैं, तो अब डिबेंचर ज्यादा इशू करने पड़ेंगे। आप मुझे बताओ कोई एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपए है, अब मुझे 1 लाख की पेमेंट करनी है और एक डिबेंचर 100 का है, तो 1 लाख को 100 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितने डिबेंचर गिन के देने हैं। अब मैं कहूं यही 100 का जो डिबेंचर था ये 200 का हो गया है, अब लिखा 100 है लेकिन इसको 200 का मान लो, अब क्योंकि हम कंपनी की रेपुटेशन ज्यादा है, कंपनी से प्रीमियम पे इशू कर रही है, तो आप क्योंकि भैया 200 के हिसाब से तो कम डिबेंचर देने पड़ेंगे, और मैंने कहा बेटा इसकी वैल्यू कम कर दो डिस्काउंट, आप क्योंकि अब ज्यादा देने पड़ेंगे, तो बेटा वही करना है फिर से 1 लाख को डिवाइड करना 90 से, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर है अब उतनी की लाइबिलिटी क्रिएट कर देना। तो कंपनी चाहे डिबेंचर इशू करे पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने होते हैं। और नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, तो कंपनी ने जितने रुपए के डिबेंचर इशू किए, तो डिबेंचर जितने रुपए की कंपनी इशू करेगी उस इशू प्राइस को आपको बेस मान लेना है और परचेज कंसिडरेशन को ऊपर रखना है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी ने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए ये कैसे पता चलेगा, तो आप परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड कर दिया करोगे किससे? इशू प्राइस से। और इशू प्राइस से डिवाइड करते के साथ ही आपको क्या पता चल जाएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर। और नंबर ऑफ डिबेंचर से क्या कर दिया करना? मल्टीप्लाई। एक चीज बेटा जो आपको हमेशा अपने माइंड में फिट कर लेनी है कि जो परसेंटेज डिबेंचर होता है आप हमेशा यहां फेस वैल्यू लिखोगे। अगर आपने डिबेंचर को पार पे इशू किया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर तो 100 की मल्टीप्लाई होगी। अगर आपने डिबेंचर को 100 की जगह 100 से ज्यादा पे इशू किया है प्रीमियम पे, तो भी बेटा परसेंटेज डिबेंचर में 100 ही लिखा जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। और अगर आपने डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया है तो भी बेटा परसेंटेज डिबेंचर में 100 ही लिखा जाएगा, जो आपने डिस्काउंट दिया है वो आपको 5 रुपए 10 रुपए का जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट में मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है, आप कभी गलती नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, चाहे वो पार हो चाहे प्रीमियम या डिस्काउंट। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है। इतनी बात समझ में आई होगी हमें उम्मीद है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे, थर्ड केस, कि आपने डिबेंचर को इशू किया एज कलेटरल सिक्योरिटी, कैश हो गया, अदर देन कैश हो गया, अब कलेटरल सिक्योरिटी। बेटा कलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है? बेटा क्या है कि कंपनी को पता है कि कंपनी की जो डिबेंचर है कंपनी की सिक्योरिटी है। कंपनी की सिक्योरिटी है मतलब कंपनी के लिए तो कंपनी की एसेट हो गई हो, ठीक है, क्योंकि कंपनी बेटा कोई भी चीज इशू कर रही है तो वो कंपनी को आप पैसे देके कंपनी की चीज ले रहे हो, तो कंपनी के लिए क्या हो गई एक तरीके, जब आप ले लेते हो तो उस डिबेंचर को क्या बोल दिया जाता है? लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया जाता है। आप कंपनी को उसका सामान वापस दे देते हो, कंपनी आपको आपका पैसा लौटा देती है रिडेम्पशन के टाइम पे। तो कंपनी क्या करती है, कलेटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आती है। बेटा आपने मॉर्गेज वर्ड सुना होगा, मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी। गिरवी का मतलब होता है कि जब भी आप कोई चीज लेते हो उधार,
तो कभी कभी वो मॉर्गेज होती है, कभी कभी मतलब होता है ना कि आप क्या कहते हैं कि सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड का मतलब होता है जिसमें कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, अनसिक्योर्ड का मतलब होता है जो जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वो रिस्की अमाउंट होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड दे देना, पर्सनल लोन देना बैंक के द्वारा, ये सब अनसिक्योर्ड होते हैं। और सिक्योर्ड लोन कौन से होते हैं, जैसे कि हाउसिंग, हाउस को फाइनेंस करा लेना, किसी व्हीकल को फाइनेंस करा लेना, तो ये थोड़े से सिक्योर्ड लोन होते हैं क्योंकि उतना ही अमाउंट क्या होता है, गिरवी रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह अपने डिबेंचर का इस्तेमाल करती है। जब कंपनी बैंक से लोन लेने जाती है तो लोन लेते वक्त अपने डिबेंचर गिरवी रखवा देती है, कह देती है कि टाइम पीरियड डिसाइड किया जाता है कि अगर इतने टाइम पीरियड में हम आपका लोन नहीं चुका पाए तो ये डीम्ड हो जाएगा कि जो डिबेंचर हम आपके पास गिरवी रखवाएंगे वो क्या बन जाएंगे, अपने आप सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो एज अ मॉर्गेज आपके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, फिर हम उस डिबेंचर की आपको पेमेंट कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब कंपनी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर को इश्यू करेगी, मतलब गिरवी रखवाएगी, तो कंपनी पहले बैंक से लोन लेगी। अब मान लेते हैं कंपनी ने 4 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया, 4 लाख का, तो एंट्री बनी कंपनी ने लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 4 लाख, 4 लाख रुपए से एंट्री बन गई, तो पहले तो लोन ले लिया। अब कंपनी कहती है 4 लाख रुपए के बदले में हम अपने 5 लाख रुपए के डिबेंचर गिरवी रखवा रहे हैं, या 3 लाख रुपए के, या 4 लाख के, 5 लाख के, 6, वो डिपेंड करता है कंपनी कितने रखती है और आपसे सहमति होती है बैंक और उसके बीच में। तो मान लेते हैं 5 लाख रुपीज के डिबेंचर गिरवी रखवाए और 100 रुपए का एक डिबेंचर था, तो कंपनी ने क्या कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। बेटा यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन किया गया जिस अकाउंट का नाम क्या रखा गया, डिबेंचर सस्पेंस। अब सस्पेंस का मतलब ये होता है कि जो जिस पे अभी संशय बना हुआ है, अब उसे एग्जैक्टली हम लाइबिलिटी नहीं बोल सकते, तो क्योंकि हमने डिबेंचर रखवा दिए तो हमने उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट तो किया, लेकिन क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है तो उतना ही अमाउंट हमने सस्पेंस में ट्रांसफर कर दिया। आगे चल के जब बेटा हम लोन चुका देंगे तो इसकी रिवर्स एंट्री बना के इसको खत्म कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी जब तक डिबेंचर की, जब तक लोन की पेमेंट नहीं करती थी तब तक उतना ही अमाउंट सस्पेंस में डाल के रखा जाता है और उतना ही अमाउंट परसेंटेज डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इसके लिए कंपनी क्या करती है, ये एंट्री पास करती है, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 केस जन्म लेते हैं। देखो मैंने ऊपर केस फर्स्ट लिख रखा है, लेकिन अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि केस फर्स्ट का मतलब क्या है, कि आपने जब डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी इशू किया तो आपने ये 2 एंट्री पास की। कब की बेटा, क्योंकि कंपनी कहती है कि जर्नल एंट्री से इस सिचुएशन को समझा हुआ हमें, तो हमने कहा जर्नल एंट्री बना देंगे, पहली एंट्री लोन लेने की और दूसरी डिबेंचर को गिरवी रखवाने की, इस वजह से सस्पेंस अकाउंट का यूज कर लिया। अब बात आ जाती है कि कंपनी कहती है हमें जर्नल एंट्री मत बनाओ, हमें तो सीधा बैलेंस शीट में शो कर देना। तो हमने कहा बेटा डिबेंचर को एज अ गिरवी रखवाने की कोई बैलेंस शीट में शो उसको नहीं किया जाता, उसको कहीं भी लाइबिलिटी मान के ट्रीट नहीं किया जाता। तो फिर बैलेंस शीट में भैया शो करने का क्या प्रोविजन है, आप जर्नल एंट्री के बिना इसे बैलेंस शीट में कैसे शो करते हो। तो मैंने कहा बेटा इसके लिए हमें नोट बनाना पड़ता है, हम नोट्स में ही दिखा पाते हैं कि हमने डिबेंचर को गिरवी रखवाया है। देखो कैसे, कंपनी ने कितने रुपए का लोन लिया है, 4 लाख रुपीज का, तो कंपनी नॉन करंट लाइबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 4 लाख रुपीज लिख देती है और इसके सामने नोट नंबर 1 डाल देती है, कहती है जाओ नोट नंबर 1 में देख लो हमने बना रखा है। तो बेटा हम नोट नंबर 1 पे आते हैं, नोट्स में देखते हैं तो हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहां से आया 4 लाख रुपए, तो ये कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग आया बैंक लोन से और हमने बैंक लोन ले रखा है 4 लाख रुपए। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जो 4 लाख रुपए का बैंक लोन है इसके लिए हमने इश्यू कर रखे हैं 5,008% वाले डिबेंचर जो कि 100 रुपीज का एक है। मतलब बेटा कंपनी ने जो 4 लाख रुपए का लोन लिया उसके बदले में कंपनी ने 5 लाख रुपए के डिबेंचर गिरवी रखवाए। देखो 5,000 के 100 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लाख आ जाएगा। तो कंपनी आपको शो कर रही है बैलेंस शीट में नोट्स में कि कंपनी ने इस लोन को तो लिया है लेकिन बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में कंपनी ने कुछ डिबेंचर भी रखवाया। अब क्वेश्चन आ जाता है बेटा बैलेंस शीट में शो करो, तो बेटा आप लोन शो करोगे, जितने डिबेंचर इशू करें इसे नोट्स बना के डालोगे। क्वेश्चन आ जाता है कि जर्नल एंट्री बनाओ, तो आप सिर्फ जर्नल एंट्री बनाओगे, क्वेश्चन कहता है जर्नल एंट्री एज वेल बैलेंस शीट, तो आप दोनों चीजें बना दोगे। अब बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है जिसमें हम डिबेंचर को इश्यू करेंगे और डिबेंचर को इश्यू करने के बाद उस पर इंटरेस्ट भी पे करने का प्रोविजन लेकर आएंगे। अब बेटा इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो देखो बेटा कोई भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो बदले में आप किस चीज की उम्मीद करते हो, रिटर्न मिलेगा। शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो डिविडेंड मिल जाता है, बैंक में एफडी करते हो तो इंटरेस्ट मिलता है, कि कहीं और बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो बेटा ये कहते हैं जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट को अगर कैलकुलेट करें और उस इंटरेस्ट की अगर जर्नल एंट्री पास करने लगे तो उसको किस तरीके से शो किया जाएगा। तो हमने कहा बहुत आसान है बेटा, 11th क्लास से आप एक्सपेंसिस को रिकॉर्ड करने की एंट्री पास करते आए हो, आज भी आपको वही करना है। कैसे बेटा, जरा ध्यान से देखना, आपने कोई डिबेंचर इशू किया, एंट्री बाद में देखेंगे, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। कहते हैं आपने कोई डिबेंचर इशू किए जो कि 5,000 थे और बेटा उनका कितने परसेंट ब्याज था उन पे, 8%,
और वो एक डिबेंचर कितने रुपए का था, 100 रुपीज का। कहते इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो और उसको पे करने की जर्नल एंट्री बनाओ। बस मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया। बेटा डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया जाए, डिबेंचर पार पे इशू किया जाए या प्रीमियम पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो फेस वैल्यू पे करना होगा। आप मुझे बताओ इस डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100। अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा 5000 डिबेंचर 100 का ईच, मतलब आपने 500000 रुपए के डिबेंचर इशू कर रखे हैं मार्केट में, और आपको बोला गया है कि आपने बोला था कि हम 8% आपको क्या देंगे, 8% इंटरेस्ट पे करेंगे, तो 5 लाख का 8% अगर कैलकुलेट किया जाए तो कितने रुपए निकल कर आ जाएगा बेटा, 40,000 रुपीज निकल कर आ जाएगा। तो जो इंटरेस्ट आप पे करोगे वो 40,000 होगा ड्यूरिंग द ईयर। एक साल का इंटरेस्ट बेटा 40,000 रुपए बनता है। अब क्वेश्चन वाला आपसे कह देता है कि आपको इंटरेस्ट पे करना है एनुअल, तो बेटा एनुअल पे करना है तो आप कौन सी तारीख को पे करोगे, मार्च 31st को इंटरेस्ट पे करोगे। तो मार्च 31st को आप एंट्री बनाना स्टार्ट करो। साथ में क्वेश्चन वाले कहते हैं कि जो आप इंटरेस्ट पे करोगे इस पे आपको TDS भी देना होगा, और वो कितने परसेंट देना होगा बेटा, 10%। अब TDS क्या होता है, तो बेटा TDS टैक्स होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोल देते हैं। टैक्स का मतलब क्या होता है बेटा, टैक्स कौन सा टैक्स होता है, तो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। होता क्या है कि बेटा, क्योंकि कंपनी क्या, जो कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया है और डिबेंचर होल्डर को जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम होती है, और आपको तो पता है इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनी क्या करती है कि डिबेंचर होल्डर पहले इनकम ले लें, उस इनकम पे गवर्नमेंट को टैक्स देने जाएं, कुछ टैक्स देने पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे, कुछ घर पे रह गए, टैक्स चोरी हो गया, तो सरकार ने गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है उसने कंपनी को बोला हुआ है कि जब आप डिबेंचर पे इंटरेस्ट जारी करोगे तो उस पर TDS आप ही कैलकुलेट करके कट करके देना। आप उनको मत देना कि तुम जाके गवर्नमेंट को दे देना, ये एम्प्लॉयर तुम्हारा काम है, एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी, कंपनी तुम्हारा काम है कि इंटरेस्ट तुम्हें डिडक्ट करना है, उसके बाद आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है। देखो बेटा कैसे, कंपनी कहती है 40,000 रुपीज का तुम्हारा ब्याज बनता है डिबेंचर होल्डर, लेकिन आपको इस पे 10% टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि सरकार के पास जाएगा, क्योंकि 10% गवर्नमेंट ने बोला है TDS का चार्ज करना है। तो कंपनी कहती है 40,000 का 10% हो गया 4,000, तो आपको सिर्फ ब्याज के रूप में 36,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन ये मत सोचना इसको हम रख रहे हैं, हम तुम्हें चेक करके दिखाएंगे। कंपनी कहती है तुम्हारा इंटरेस्ट पूरा कितने रुपए बनेगा, 40,000 ही बनता है, 1 रुपया कम नहीं हुआ है। लेकिन 40,000 में से तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 36,000 डलेंगे डिबेंचर होल्डर, 4,000 रुपए हमें गवर्नमेंट को भेज रहे हैं, तो TDS पेबल है ये। तो कंपनी जब एंट्री पास करती है तो एक्सपेंस पूरा 40 का ही होगा कंपनी के पास से, लेकिन 36,000 रुपए 36 डिबेंचर होल्डर को चले जाएंगे और 4,000 TDS पेबल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बेटा क्योंकि लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में लिखी गई, क्योंकि इंटरेस्ट को भी ड्यू किया जा रहा है तो डिबेंचर होल्डर नाम की भी लाइबिलिटी क्रिएट हुई। अब मैं इन दोनों लाइबिलिटी की पेमेंट कर दूंगा, नरेशन लिख देना यहाँ पे, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर। अब आप पेमेंट करो, बताओ डिबेंचर होल्डर को कितने रुपए देने हैं, 36। आपने कहा डिबेंचर होल्डर क्रेडिट थे, डेबिट कर दो। आपने कहा गवर्नमेंट को कितने पैसे देने हैं, 4,000, तो आपने कहा क्रेडिट है, TDS पेबल को भी डेबिट कर दो, और कंपनी के पास से क्या चला जाएगा, बैंक से पैसा चला जाएगा। तो कंपनी ने कहा डिबेंचर होल्डर डेबिट, TDS पेबल डेबिट टू बैंक, और 40,000 लिख दिया। अब कभी कभी क्वेश्चन वाले कहने लगते हैं कि एनुअल नहीं, 6 महीने के हिसाब से क्वेश्चन करो, 6 मंथ का केस लगा दो। हमने कभी 6 मंथ का केस लगा दिया तो फाइनेंशियल ईयर को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। अब 31 मार्च को एंड हो रहा है तो पहले 30 सितंबर और उसके बाद 31 मार्च, 2 बार पेमेंट कर दिया करेंगे। अब बेटा 2 बार पेमेंट की बात आएगी तो 40,000 रुपए का इंटरेस्ट घट के कितना रह जाएगा, 20,000, क्योंकि बेटा 2 बार देना है 20,000 रुपए। अब TDS भी बेटा 4,000 से कट के एक बार कितना दिया जाएगा, 2,000, मतलब 20 में से आपको पेमेंट कितनी करनी है, 18, और 2,000 रुपए देने सरकार को। ऐसे 20 में से दूसरी बार में भी आपको कितने रुपए देने, 18, और 2,000 रुपए किसको देने, गवर्नमेंट को। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बेटा एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, अमाउंट बदल जाएगा, 40 की जगह 20 हो जाएगा, आधा आधा कर दो, क्योंकि अब 2 बार में पेमेंट करनी है, एक बार में फुल पेमेंट कर रहे थे, अब 2 बार में आधी आधी पेमेंट कर दोगे, तो 40 की जगह 20, 36 की जगह 18, और 4,000 की जगह 2,000 हो जाएगा। और एंट्री कैसे बनेगी, अब मार्च की जगह बेटा तारीख चेंज होकर कौन सी हो जाएगी, सेप्टेम्बर 30, 30 सितंबर को ये वाली एंट्री, 30 सितंबर को ये वाली एंट्री, उसके बाद यही दोनों एंट्री दोबारा रिपीट करना, कौन सी तारीख को, मार्च 31st को, और फिर दोनों एंट्री सेम और अमाउंट भी दोनों में सेम डालना, क्योंकि अब हाफ ईयरली का केस चल रहा है। आप अमाउंट अब 2 बार में पे कर रहे हो, और 2 बार में पे कर रहे हो तो एंट्री भी कितनी बार बनानी पड़ेगी, 2 बार, पहले 2 एंट्री आधी इंटरेस्ट को पे करने की, फिर साल के लास्ट में 2 एंट्री पूरे इंटरेस्ट को पे करने की, मतलब बचा हुआ 18,000 जो होता, तो अब कंप्लीट 40 हो जाएगा।
और आप बेटा लास्ट में अगर आपका मन करे, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है कंपनी के लिए, एक्सपेंस, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं उनका नेचर डेबिट का होता है, तो अब आप उसे लास्ट में क्रेडिट कर सकते हो, क्योंकि जितने भी इंटरेस्ट होते हैं वो नॉमिनल नेचर के होते हैं और नॉमिनल नेचर के सभी एक्सपेंस को ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और जितना भी इंटरेस्ट पे करा था आपने टोटल 40,000 रुपये, तो वो 40,000 रुपीज़ आप कहाँ ट्रांसफर कर देना, 31 मार्च को ही जब लास्ट में पेमेंट करोगे, स्टेटमेंट ना भी करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर आप चाहो तो एक एंट्री एक्स्ट्रा दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बोर्ड को ज़्यादा एंट्री मिलेंगी तो बोर्ड नंबर काटेगा नहीं, उसको भी चेक ही करेगा नंबर, अगर आपको यहाँ पे भी पूरे मिल जाएंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा दोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी दोगे तो भी पूरे मार्क्स मिलने हैं। तो बेटा ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अब हम चलते हैं आगे। मुझे उम्मीद है बेटा आपको अभी तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अपने सेकंड लास्ट टॉपिक पे, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर विद टर्म ऑफ रिडम्पशन। मतलब बेटा डिबेंचर इशू किया जा रहा है, पहले आप एक रिडम्पशन वर्ड का मतलब समझ लो। बेटा रिडम्पशन का मतलब होता है लौटाना पैसे को। जब कंपनी आपसे पैसे लेती है, बदले में आपको डिबेंचर नाम का सर्टिफिकेट आपके नाम कर देती है। मतलब कंपनी ने एक एविडेंस आपको दिया कि अगर आप कंपनी का डिबेंचर खरीद रहे हो तो बदले में कंपनी भी आपको कुछ दे रही है ना, कि आप कंपनी को पैसा दे रहे हो तो बदले में कंपनी भी अपनी सिक्योरिटी आपको दे रही है। अब क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड के बाद, 3 साल 5 साल 10 साल जितने टाइम के लिए वो इशू किया गया था, उस डिबेंचर को कंपनी को क्या किया जाता है, वापस कर दिया जाता है आप लोगों के द्वारा, आप लोग मतलब डिबेंचर होल्डर्स, और कंपनी आपको आपका पैसा लौटा रही है। तो इस सिचुएशन को, इसी प्रोसीजर को बोला जाता है रिडम्पशन। लेकिन जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, इशू के टाइम पे ही रिडम्पशन की भी कुछ टर्म्स डिसाइड कर ली जाती हैं, कि आप हमारा डिबेंचर 100 का खरीदो, फ्यूचर में हम आपसे डिबेंचर अपना 110 रुपये में वापस लेंगे। ये टर्म है, पहली बताया गया कि आज जो डिबेंचर हम 100 रुपये पे बेच रहे हैं, 100 रुपये का डिबेंचर 100 पे, मतलब हम पार पे आपको बेच रहे हैं, लेकिन जब हम अपने डिबेंचर को आपसे वापस लेंगे तो 100 का डिबेंचर हम 105 में 110 में लेंगे। मतलब डिबेंचर इशू पार पे कर रहे हैं लेकिन लेंगे प्रीमियम पे, या हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं आज डिस्काउंट पे लेकिन वापस लेंगे पार पे। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा इस तरीके से टोटल 6 टर्म बन जाती हैं, कि आप डिबेंचर खरीद लो 100 का, वापस भी करना 100 पे, क्वाइट पॉसिबल। आप डिबेंचर को इशू ले लो आज 110 पे, वापस करना 100 पे, होता है ये भी कि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, लेकिन 100 से कम पे रिडम्पशन कभी नहीं होता। देखो रिडम्पशन पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, रिडम्पशन कभी डिस्काउंट पे नहीं होता। लेकिन कंपनी इशू करते वक्त पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे इशू कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इशू करना तीनों से ही सीखा शुरुआत में जब हमने क्लास स्टार्ट की। तो कंपनी पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे, लेकिन रिडम्पशन पार पे हो सकता है या फिर प्रीमियम पे हो सकता है। अब बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे इस केस को रटते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात को समझो। बात को यह समझो कि जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो डिबेंचर इशू करते वक्त ही कंपनी ने रिडम्पशन की टर्म लिख दी कि या तो रिडम्पशन होगा पार पे या रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे, एग्जांपल के तौर पे 95 पे, और कंपनी वापस कितने पे करने वाली है डिबेंचर 100 पे। आप क्योंकि भैया फ्यूचर में कंपनी को 5 का नुकसान हो रहा है, नहीं बेटा फ्यूचर में नहीं हो रहा, इशू करते वक्त ही नुकसान हो गया 5 रुपए का। तो मैं ये कहना चाहता हूं वापस लेते वक्त आप 100 रुपए को मान के चलना, जब आप रिडम्पशन को चेक करोगे तो मानना फेस वैल्यू, क्योंकि जो कि आपकी फेस वैल्यू 100 है 100 के अकॉर्डिंग चेक करो। अगर 100 रुपीज का डिबेंचर 100 पे वापस हो रहा है, चाहे पार पे इशू हुआ था, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 रुपए का डिबेंचर था और वो वापस पार पे ही हो रहा है तो इसका मतलब आपको फ्यूचर में कोई लॉस नहीं हो रहा है। लेकिन 100 रुपए का डिबेंचर अगर फ्यूचर में प्रीमियम पे वापस किया जा रहा है तो मतलब फ्यूचर में आप एक्स्ट्रा पैसा देने वाले हो अपने डिबेंचर का। आप कहोगे भैया अगर प्रीमियम पे इशू किया होता और पार पे, यहां तो फायदा हो रहा। नहीं बेटा नहीं, यहां पे फायदा नहीं हो रहा, आप न्यूट्रल पोजिशन पे हो। 100 रुपए का डिबेंचर 100 पे वापस आ रहा है, जब आपने इशू किया होगा इसको तो आपने तभी रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो कंपनी को इशू करते वक्त पता होता है कि रिडम्पशन किस पे करना है, और कंपनी अगर कह देती है कि रिडम्पशन हम प्रीमियम पे करेंगे तो मतलब कंपनी को पता चल चुका है कि कंपनी फ्यूचर में कुछ पैसा एक्स्ट्रा देने वाली है, तो कंपनी उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेती है, क्योंकि ड्यू टू बिजनेस, ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये कहा जाता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को पहले ही रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, प्रोविजन बना लेना चाहिए और उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो बेटा पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 100, और दूसरी एंट्री बनी परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 100। बेटा मैंने गैप इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं 6 के 6 केस यहीं फिट कर दूंगा। तो पहले कंपनी ने इशू भी पार पे किया, रिडीम भी पार पे होगा, तो नॉर्मल एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर टू परसेंटेज डिबेंचर। कंपनी कहती है हम डिबेंचर इशू करेंगे 110 पे लेकिन वापस लेंगे 100 पे, लगभग लेते हैं बेटा कंपनी का शेयर। कंपनी कहती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, लेकिन अब की अगर कंपनी को रुपए मिलेंगे 110, क्योंकि कंपनी का 100 रुपए का डिबेंचर 110 पे बिक गया,
और कंपनी कहती है डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर 110 में से 100 रुपए, बेटा हमेशा मैंने बोला है फेस वैल्यू ही जाएगी परसेंटेज में, तो कंपनी इसको कहां ट्रांसफर कर देगी, एसपीआर बोले तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा कंपनी को फ्यूचर में कोई लॉस नहीं हो रहा, जब तक कंपनी को रिडेम्पशन पे लॉस नहीं होगा कंपनी उस लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेगी। तो कंपनी ने प्रीमियम जब तक नहीं रिडेम्पशन पे आ रहा तब तक कंपनी नॉर्मल एंट्री बना रही है, जो आप इससे पहले बना चुके हो इशू के टाइम पे। कंपनी कहती है हम तो 95 पे इशू कर रहे हैं, तो कंपनी कहती है कोई नहीं आप 95 पे कर लो, 110 की जगह 95 रुपीज हमको मिल जाएंगे। कंपनी कहती है अब एसपीआर नहीं लिखने के, हम तो लिख देंगे जी 95 रुपए मिले, लेकिन लाइबिलिटी में तो फेस वैल्यू आएगी। तो वो कहां चला गया बेटा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में 5 रुपए चले गए। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा सिचुएशन है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात आ जाती है कि चाहे इशू किया हो पार प्रीमियम डिस्काउंट, लेकिन रिडेम्पशन अगर प्रीमियम पे हो रहा है, तो बेटा जब रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है तो सिचुएशन थोड़ी सी कंपनी को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में वो एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है और रिडेम्पशन अगर मैं 105 पे करने लग जाऊं तो बताओ बेटा फ्यूचर में मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं या नहीं देने पड़ रहे हैं। और क्योंकि मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं तो मुझे अब वो फ्यूचर में होने वाला लॉस भी रिकॉर्ड करना होगा। और कैसे रिकॉर्ड होता है, तो बेटा ये जो ट्रांसफर की एंट्री होती है इसमें उस 5 रुपए के इफेक्ट को, या 10 रुपए अगर 10 रुपए एक्स्ट्रा देने तो रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो कैसे किया जाएगा, कंपनी कहती है एक तो प्रीमियम लिख दो, कितना प्रीमियम मुझे एक्स्ट्रा, देखो रिडेम्पशन पे प्रीमियम और प्रीमियम में तो फ्यूचर में होने वाली लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कंपनी 5 रुपए को प्रीमियम के नाम से शो करते। अब बेटा सुन लो फिर से, केस इशू के टाइम पे जो एंट्री बनाते हो उसी में इसको ऐड करना है आपको। क्या करना है कि जितने भी रुपए आप फ्यूचर में एक्स्ट्रा देने वाले हो, एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कंपनी ने 95 रुपए का डिबेंचर इशू किया और कंपनी उसको वापस करेगी कितने रुपए पे, 105 पे। इशू किया 95 पे, वापस होगा 105 पे। तो बेटा मैं तो कहता हूं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप इशू की एंट्री बनाओ। आप कहते भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, क्योंकि हमने इशू किया है 95 पे तो अमाउंट आया 95। मैंने कहा बिल्कुल सही। आप कहते हो डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर 9500 और 5 रुपए डाल दो डिस्काउंट। मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन भैया अब बताओ फ्यूचर में क्या रिडेम्पशन पे प्रीमियम है। आपने कहा हाँ भैया 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा। अब बेटा नई चीज का जन्म होगा, कंपनी कहती है 5 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं क्योंकि 100 रुपए की चीज के बदले में 5 रुपीज एक्स्ट्रा 105 लौटाने हैं। तो कंपनी कहती है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट, और साथ में क्योंकि 5 रुपए एक्स्ट्रा देने तो ये लॉस भी है तो इसको लिखा जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 रुपीज। कंपनी 5 रुपए को भी दिखाएगी डेबिट में क्योंकि लॉस है, जैसे डिस्काउंट को दिखाती है उसी तरीके से आप दोनों को जॉइंट भी लिख सकते हो, लेकिन आप अलग अलग भी लिख दो, डिस्काउंट इशू के टाइम पे था और लॉस रिडेम्पशन के टाइम पे जो होने वाला था। अब मैं कहता अभी अगर प्रीमियम का होता तो वही बैंक अकाउंट टू डिबेंचर एप्लीकेशन जितने रुपए आपको मिलते 110 105 इशू पे, डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज टू एसपीआर लिखते हैं आप नॉर्मल एंट्री। अब चेक करो क्या रिडेम्पशन पे प्रीमियम हो रहा है, तो आप कहोगे हाँ जब रिडेम्पशन हो रहा है उस टाइम पे प्रीमियम भी है। तो मैंने कहा बेटा फिर से आपको क्या ऐड करना होगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो केस कोई भी आ जाए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये दो चीजें सिर्फ तब ऐड करनी है जब रिडेम्पशन पे क्या हो रहा होगा, प्रीमियम आ रहा होगा, वरना तो नॉर्मल इशू की जो एंट्री आपने सीख ली है उन्हीं एंट्री को आपको पास करते हुए चलना है। तो बेटा क्लियर है ये वाली पॉइंट। आते हैं बेटा इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जिसमें लिखा हुआ है हमारे पास रिटर्न ऑफ डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बेटा जैसे कि अभी हमने पीछे देखा कि आप डिबेंचर को इशू करते वक्त कंपनी अपने फेस वैल्यू से कम पे डिबेंचर इशू कर देती है तो वो डिस्काउंट हो जाता है, तो कंपनी का लॉस हो गया। या कंपनी जब डिबेंचर को रिडीम करेगी तो कंपनी को इशू करते वक्त पता है कि मुझे रिडेम्पशन प्रीमियम पे करना है तो वहां पे भी कंपनी को लॉस हो जाता है। तो कंपनी को डिस्काउंट इशू करते वक्त और रिडीम करते वक्त जो लॉस होता है, इन नुकसानों को क्या करना होता है, लॉस को रिटर्न ऑफ करना होता है साल के लास्ट में। अब इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करना है, तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और इस यूज के बारे में जो हमने वीडियो बनाई हुई है बेटा शेयर चैप्टर में आपको वहां से पता चलेगा। तो उसी का फायदा उठाते हुए सेक्शन 52 का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज यहां पे किया जा सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जहां जहां यूज होता है उसमें से एक टॉपिक क्या था, डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी था। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा आज, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड रिजर्व होता है इसको कहीं कहीं यूज करने का मौका मिलता है, तो सबसे पहले हम इसी को पकड़ेंगे। अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस है तो मैं अपने डिस्काउंट या लॉस को कहां से रिटर्न ऑफ करूंगा बेटा, प्रीमियम रिजर्व में से। अब क्योंकि रिजर्व का नेचर क्रेडिट का होता है तो इसमें से पैसा निकाला जाएगा, और निकाला जाएगा तो रिजर्व को डेबिट कर दिया जाएगा, तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट। आप कहते हो भैया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ही नहीं, तो मैंने कहा फिर मत लिखना, अगर है तो ही लिखना, अगर नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा, फिर जर्नल रिजर्व ढूंढना क्वेश्चन में।
आप कहते हो भैया जर्नलिज्म भी नहीं है, तो बेटा मैंने कहा जर्नलिज्म भी मत लिखना, तो फिर तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्योंकि ये होगा नहीं, ये आपको खुद लिखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के जितने भी लॉस होते हैं साल के लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ही ट्रांसफर होते हैं। रेदर कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है या फिर हमारे पास जर्नल रिजर्व है, तो पहले बेटा हम उसमें से यूज करेंगे, क्योंकि इन पैसों का इस्तेमाल कहीं कहीं किया जाएगा, तो पहले अगर इसकी जरूरत है और अगर ये है तो इसको कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल पे क्वेश्चन में कहते हैं एसपीआर अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है 50,000 और कहते हैं जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू था ये था सिर्फ कितने रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पर बेटा 10,000 रुपए का हमें लॉस हुआ पड़ा था, तो मैंने कहा बेटा लॉस का नेचर डेबिट का, इसको खत्म करना है तो क्रेडिट कर दो, और ये पैसा कहां से निकाल लो, क्योंकि एसपीआर में सफिशियंट पैसा है, तो एसपीआर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करके इस पैसे को कवर कर लो। तो एंट्री बन गई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। आप कहते हो भैया अगर यहां पे 5,000 रुपए होते तो आप कहते बेटा जितने इसमें है पहले तो सारे निकाल लो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से 5,000, अब चेक करो कि जर्नल रिजर्व आपके तो नहीं है, तो मैंने कहा बाकी के 5,000 रुपए कहां डाल देना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। बेटा अगर 5 साल में रिडम्शन हो रहा है 6 साल में, तो आप इसको डिवाइड करके हर साल भी रिटर्न ऑफ कर सकते हो, जरूरी नहीं एक साथ ही सारा रिटर्न ऑफ करो, किस्तों में भी रिटर्न ऑफ किया जाता है। जैसे कि अगर ये 10,000 है और आपका जो रिडम्शन है वो 5 साल में होने वाला है फ्यूचर में, तो 5 साल में भी इसको क्या कर सकते हो, रिटर्न ऑफ कर सकते हो, मतलब 5 से डिवाइड कर दो, तो सेम एंट्री हर साल के लास्ट में 2,000 से आप बना सकते हो। तो इस तरीके से बेटा जो हमारा रिटर्न ऑफ हुआ करेगा, अगर हमारे पास कोई डिस्काउंट है लॉस है, तो आप इसको रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या किया करेंगे, आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को चेक किया करेंगे, अगर है तो उसमें से निकाल लो पैसा, नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ट्रांसफर करके एंट्री पास कर दो लास्ट में इसको रिटर्न ऑफ करने की। तो उम्मीद है बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो बेटा एक ही वीडियो में हमने पूरा चैप्टर कवर किया, और बेटा कभी कभी ये 6 मार्क्स का आता है तो कभी 9 मार्क्स में भी आ जाता है, वो डिपेंड करता है कि बोर्ड किस तरीके से आपको क्वेश्चन देने वाला है, एमसीक्यू की फॉर्म में, क्वेश्चंस की फॉर्म में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर था बेटा जो हमने कंप्लीट किया। एग्जाम में जाने से पहले एक बार दोबारा से देख के चले जाना, एक बार आप पढ़ लो, एक बार फिर एग्जाम से पहले कवर कर लेना, फिर कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत इस वाले चैप्टर के अंदर, सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत है। हम मिलेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय।